कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं FirstBite.tv और मैं हूं आपके साथ सिया। आइए लोग करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। इसराइल से आ रहे भारतीयों के विमान में लगे वंदे मातरम के नारे। हैदराबाद में TSPSC की अधिसूचना स्थगित, महिला उम्मीदवार ने की खुदकुशी। यूपी में मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत। यूपी के 35 जिलों में 2 दिन बंद रहेंगे स्कूल। पति ससुर ने की महिला की हत्या, कमरे में दफनाया शव और हो गए फरार। अब खबरें विस्तार से। इसराइल से ऑपरेशन अजय के तहत 235 भारतीय नागरिकों को लेकर आ रही दूसरी फ्लाइट में यात्रियों द्वारा वंदे मातरम के नारे लगाए गए। फ्लाइट आज सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर उठी। तेलंगाना के हैदराबाद में TSPSC की अधिसूचना स्थगित होने के कारण एक महिला उम्मीदवार ने अशोक नगर में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत कर दी है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महिला संबंधी अपराध को नियंत्रित करने में और अपराध करने वाले अपराधियों को दंडित करवाने में उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी राज्यों में आज देखा जा रहा है। मिशन शक्ति अभियान की सफलता का ही परिणाम है कि आज भारत सरकार ने भी महिला सुरक्षा के लिए चलने वाले अभियान का नाम मिशन शक्ति ही रख दिया है। यूपी सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार 28 और 29 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के 35 जिलों में स्कूल बंद रहेंगे। इसके अलावा यूनिवर्सिटी या कॉलेज में कोई अन्य परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। यूपी के आजमगढ़ में ससुर से हुए विवाद के बाद महिला को उसके पति ने मौत के घाट उतार दिया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घर से डेड बॉडी बरामद की। महिला का पति और ससुर फरार है, पुलिस उनकी तलाश में जुटी। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए FirstBite.tv।